देख रहे हैं आज तक। उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड की आपदा के बाद तपोवन पावर प्रोजेक्ट की टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है। रात में भी आईटीबीपी समेत सभी रेस्क्यू एजेंसीज के जवानों ने टनल में फंसे लोगों तक सुरक्षित पहुंचने की कोशिश की। इस बीच आज राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उन गाँव में जाकर लोगों से मिलने वाले हैं जो इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। उत्तराखंड के चमोली में नंदा देवी ग्लेशियर फटने से आई तबाही से अभी उबरने की जद्दोजहद जारी है। जोशीमठ के तपोवन में पावर प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 30 से अधिक लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आईटीबीपी से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान दिन रात एक कर चुके हैं। Our intention is to reach the earliest as possible at 180 meters where the tunnel takes a bend, where we are very much intending to reach so that we can look out for survivors. So the moment it is reached, we will start our rescue operations, the future operations where we will send our personnel by foot and all other equipments. इस टनल से मलबा निकालना आसान नहीं, लेकिन मिशन को पूरा करना जरूरी है क्योंकि कई जिंदगियों का सवाल है और हर एक बीता हुआ पल उन पर भारी पड़ रहा है। जो लोग टनल में फंसे हैं, संभावना है कि वो टनल में आगे पड़ने वाले एक टी पॉइंट के पास हो सकते हैं। तपोवन में एनटीपीसी की दूसरी टनल को खोलने की कोशिशों में लगातार मुश्किलें आ रही हैं। पहले यहां पर मैनुअल अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद अब दोबारा एक बार फिर से जेसीबी की मदद दी जा रही है। और क्योंकि मुश्किलें स्लज है, उसको निकाल रहे हैं जिस एरिया को, उसमें फिर भर जा रहा है और मैनुअली मशीन के थ्रू ही कर पा रहे हैं इसको। मैनुअली ये सारा क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये टनल में अभी 100 मीटर आगे जाके ये ऊपर छत तक भरा हुआ है स्लज, तो इसको पहले निकालेंगे। एक ओपनिंग बनेगी जहाँ से जवान अंदर जाएगा, उसके लिए कर रहे हैं और अभी डिफरेंट फोर्सेज यहाँ पे आ गई हैं ऑलरेडी, तो ये काम तेजी से चल रहा है फिलहाल। रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल मॉनिटरिंग हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जोशीमठ में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी सभी एजेंसियों के साथ बैठक भी की है। जो लोग लापता हैं, उनमें हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे मजदूरों के अलावा आसपास के गांव वाले शामिल हैं। एनटीपीसी का 480 मेगावाट का तपोवन प्रोजेक्ट और 13.2 मेगावाट का ऋषिगंगा हाइडल प्रोजेक्ट फ्लैश फ्लड की तबाही में बड़े पैमाने पर बर्बाद हुआ है। अभी जो लोग 35 के करीब अनुमान है कि टनल में फंसे हैं, उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगभग 90 मीटर से अधिक कह सकते हैं कि वहां तक हम पहुंच चुके हैं, हमारी टीम पहुंच चुकी है। और अभी लगभग 50 मीटर आगे चलकर टी पॉइंट है, तो ये संभावना की जा रही है कि टी पॉइंट से राइट हैंड साइड पर ये श्रमिक वहां पर सुरक्षित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज उन प्रभावित गांवों में भी जाने वाले हैं जहां फ्लैश फ्लड ने सबसे ज्यादा जनजीवन को प्रभावित किया है। 13 गांवों में बड़े पैमाने पर असर पड़ा है जहां सड़कें और पुल ध्वस्त हुए हैं। जरूरी सामानों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाना पड़ रहा है। सरकार का दावा है कि प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। देखिए, वहां पर अभी जो एयर कनेक्टिविटी है, जो मोबाइल की कनेक्टिविटी है, केवल यह है कि एक ब्रिज के ढह जाने से हम ऋषिगंगा को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ अंदर व्हीकल्स हैं, आर्मी के व्हीकल हैं, आईटीबीपी के हैं और प्राइवेट व्हीकल भी वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर यातायात हम ये कह सकते हैं कि सुचारू रूप से वहाँ पर चल रहा है। बिजली भी अगर दो गांवों को छोड़ दिया जाए तो सभी में बिजली चल रही है, पानी भी एक आध गाँव में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। 2013 के बाद उत्तराखंड की इस सबसे बड़ी विनाश लीला से निपटना अब वक्त की चुनौती है।
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात में भरोसा दिलाया है कि राहत और बचाव के काम में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और जोशीमठ से गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, जोशीमठ आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।